हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको टॉप 10 मूवीज एंड टीवी शोज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। और क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, क्यों भैया एकदम से आप मूवीज और टीवी शोज को बता रहे हो हम लोगों को। बेसिकली कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने अपने अमेज़न का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। वहां पर एक जो डाउट था काफी सारे लोगों को, वो ये कि क्या इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश में बात करनी होती है। और ये वाला डाउट मैंने काफी सारे कमेंट्स में देखा, कमेंट में मैंने रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ ऐसा होता है, कई बार आपके इंटरव्यूअर्स को हिंदी बोलने नहीं आते तो वहां पर आपको इंग्लिश में बात करनी होती है लोगों से। बट काफी जगहों पर और भी, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने एक ही रिप्लाई बार बार किया है। बेसिकली होता क्या, मेरे से पूछते हैं कि क्या इंग्लिश पूछी आती है, मैं बोलता हूँ हाँ पूछी आती है, तो वो लोग कहते हैं कि भैया हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिस चीज़ ने मेरी हेल्प की थी कॉलेज के दौरान, वो थे कुछ बढ़िया टीवी शोज और मूवीज़ जिनको मैंने देखा, जिनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली जब मैं कॉलेज में घुसा था यार, तो मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, ठीक है। तो 12th तक इतना ज़्यादा इंग्लिश में बातें करता नहीं था मैं, और कॉलेज में आता हूँ तो देखता हूँ यार वहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, देन कुछ कुछ लोग MUNs में जा रहे हैं और मुझे नहीं आती, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश। मेरे जो कॉलेज में जो ग्रुप बने उसके अंदर भी लोग बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती है, अभी भी ठीक से नहीं आती, अभी भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। बट अब मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। अब जो मैसेज देना होता है वो कन्वे हो जाता है, इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ नहीं आता, बट ठीक है मैं बातें कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो रहा था वो कुछ मूवीज़ और टीवी शोज़ का था जो मैंने देखे थे कॉलेज के दौरान, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं उनसे, और आज यही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सारे सारे जो टीवी शोज़ हैं इनसे आप चीज़ें सीखोगे टेक्नोलॉजी के अराउंड, क्या क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस जो होते हैं टेक्नोलॉजी के अराउंड, मल्टीपल चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आप सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं, और ये एक्चुअली एक रैंडम ऑर्डर में, कोई भी ऐसा नहीं है कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम ऑर्डर में। तो रैंडम ऑर्डर में से कोई एक पिक करते हैं। तो पहला है एक टीवी शो विच इज़ मिस्टर रोबोट। बेसिकली हैकिंग के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो टीवी शो जाता है वो यही है, मिस्टर रोबोट। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, और वो किस तरीके से नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब भी कराता है और रात में, मतलब नॉर्मल लोगों की हेल्प भी करता है हैकिंग करके, देन बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ को कैसे वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देता है, उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो काफ़ी बढ़िया ये टीवी शो है, काफ़ी अच्छी इसमें चीज़ें आप सीखोगे। तो मिस्टर रोबोट टेक्नोलॉजी और हैकिंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट है, मतलब नॉर्मल हम देखते हैं ना मूवीज़ और टीवी शोज़ में किस तरीके से हैकिंग होती है, आप लोगों को भी पता होगा। वो नॉर्मल वो बोलता है कि ठीक है मुझे इस बंदे का फ़ोन हैक कर दो, वो एक बैठा होता है कीबोर्ड पर खटखट करता है 5 सेकंड और कुछ कुछ चलता है वो ग्रीन स्क्रीन पर कुछ, और एकदम से वो बोलता है ठीक है आई एम इन, ठीक है घुस गया मैं, हैक कर लिया। इतनी जल्दी हैक नहीं होता उसके अंदर, प्रॉपरली बता रखा है मिस्टर रोबोट के अंदर कि किस तरीके से एक्चुअल हैकिंग होती है, किस तरीके से बड़े बड़े सर्वर्स की या फिर किसी भी सिस्टम की हैकिंग होती है, वो अच्छे से दिखा रखा है। तो अगला है सेकंड नंबर पे हमारा एक टीवी शो विच इज सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के अंदर बेसिकली आपको पता चलता है सिलिकॉन वैली के अंदर किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ कैसे होती है वहाँ पर, और सिलिकॉन वैली बेसिकली एक हब है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का हब है अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का पूरा लाइफस्टाइल होता है, देन कैसे वहाँ पर कुछ 5 लोग मिलकर स्टार्टअप को पूरा खड़ा करते हैं, ऊपर तक लेके जाते हैं, उन सब के बारे में वो पूरी पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टार्टअप्स के बारे में सीखोगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे किस तरीके से पिचिंग की जाती है मल्टीपल कंपनीज के सामने जाके अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ को, वो सब चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शो है सिलिकॉन वैली। देन अगली एक मूवी है द सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क बेसिकली फेसबुक की स्टोरी है कि फेसबुक कैसे कॉलेज के अंदर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कैसे स्टार्ट किया था, देन कैसे उसको पूरा बड़ा वो इंटरप्राइज लेवल तक लेके गया, कौन कौन लोग इसके अंदर शुरुआत में इंक्लूडेड थे, किस तरीके से पूरी पूरी स्टोरी निकलती है। तो बेसिकली फेसबुक की ओरिजिनेशन की स्टोरी है इस मूवी के अंदर, ठीक है। तो ये मूवी है द सोशल नेटवर्क, ये आप जाके देख सकते हो। देन अगली एक मूवी है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, वो है जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स की ये मूवी है। बेसिकली यार कुछ लोग हैं हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्रेज करता हूँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, स्टीव जॉब्स उनमें से एक बंदा है, ठीक है। हमारे एक इलॉन मस्क जिनको मैं लगा के रखता हूँ पूरे टाइम, ये भी उनमें से एक है। तो स्टीव जॉब्स की ये कहानी है, और स्टीव जॉब्स ने कैसे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक दोनों ने मिलकर किस तरीके से एप्पल को पूरा का पूरा अपने घर के गैराज से लेके अपना पूरा का पूरा बड़ा कंपनी बनाया, और आज आप देख ही रहे हो एप्पल कहाँ तक जा चुका है, वो पूरी पूरी स्टोरी है। डिज़ाइन की फिलॉसफी कैसी थी स्टीव जॉब्स की, वो सब चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स की ये मूवी है जॉब्स, उसकी बायोग्राफी है, तो आप जाके देख सकते हो। देन अगली है एक टीवी शो विच इज़ ब्लैक मिरर, ठीक है। ब्लैक मिरर नेटफ्लिक्स का शो है, और इसके अंदर हर एक एपिसोड अपने अंदर ही एक छोटी सी मिनी मूवी है, मतलब कोई भी आप एपिसोड जाके देख सकते हो, सबके सब एपिसोड इंडिपेंडेंट है, सबके सब अलग अलग हैं। बेसिकली क्या दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी में तो एडवांसमेंट करते जा रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कभी बैकफायर कर गया तो क्या क्या उसके रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सीखते हो, ठीक है।
तो बेसिकली जैसे कि आपके दिमाग में, ब्रेन में कुछ कुछ सिलिकॉन इम्प्लांट हो रहे हैं, या फिर कोई क्लोन आप बना देते हो फ्यूचर में जाके, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक ओवर कर लेते हैं पूरे पूरे वर्ल्ड को, मल्टीपल अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं, बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने दिखा रखी कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं और किस हद तक इसके अंदर इनका मिसयूज़ किया जा सकता है, और कभी कोई चीज़ बैकफायर करेगी तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हर एक एपिसोड अलग अलग एपिसोड है, हर एक एपिसोड एक अपनी छोटी सी एक मूवी है, तो कोई भी आप रैंडम एपिसोड चूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया शो है ब्लैक मिरर। देन अगली एक मूवी है द इंटर्नशिप। द इंटर्नशिप बेसिकली बहुत ही पहले देखी थी मैंने ये। एक्चुअली ये गूगल की, गूगल के अंदर किस तरीके से आप जाते हो, गूगल का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे मिलता है, गूगल में किस तरीके से इंटर्नशिप वहाँ पे वो लोग ले रहे होते हैं, बेसिकली गूगल इसके अंदर ये दिखाना चाहता है आपको कि गूगल के अंदर आने के लिए आपका टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट होना ही जरूरी नहीं है, आपके दिल में मतलब कुछ बड़ा करने का चाह होनी चाहिए, मतलब कुछ लोगों की हेल्प करने के बारे में चाह होनी चाहिए, देन कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए, तो आप जा सकते हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जाना ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाने का ट्राई किया। देन पूरा का पूरा इसके अंदर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह होता है इंटर्नशिप के बारे में है कुछ कुछ गूगल के अंदर। अच्छा, तो मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा कोई भी शो, ठीक है, वरना आप लोग मेरे को कमेंट करोगे कि भैया पूरा का पूरा मूवी ख़राब कर दिया आपने हमारे लिए, तो ऐसा नहीं कर रहा मैं आपको, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो अगला है हमारा टीवी शो विच इज़ डार्क। डार्क एक जर्मन टीवी शो है, इसको इंग्लिश में डब कर रखा है बढ़िया से, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बेसिकली अगर आप टाइम ट्रैवलिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही बढ़िया एक ये टीवी शो है आपके लिए। इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अलग अलग टाइमलाइन चलती आ रही हैं, और वो टाइमलाइन आपस में कैसे पूरा पूरा उलझ रखा है पूरा का पूरा, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीज़ें होती है इसके अंदर, हिसाब लगाना मुश्किल आता है कि कौन बंदा कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन क्या कहाँ पर क्या कर रहा है, एंड में आते आते आपको लेकिन चीज़ें अनफोल्ड होने लगती हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट है बेसिकली, तो वो एक ये शो है डार्क, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एट्थ शो के ऊपर विच इज़ रिक एंड मॉर्टी। तो अगर आप एनिमेटेड शोज देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये एक एनिमेटेड टीवी शो है, और इसके अंदर बेसिकली एक साईफाई मतलब बेसिकली मल्टीवर्स का कंसेप्ट है, मल्टीवर्स और एलियंस वगैरह इन सब का कंसेप्ट है इस शो के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनिमेटेड शो है, आपको देख के लग सकता है, मतलब अगर मम्मी आके देखेंगे, जैसे मेरी मम्मी आके देखते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या कार्टून देख रहा है। ठीक है, तो कार्टून नहीं मतलब एनिमेटेड शो है, ठीक है, सिंचन जैसा कुछ नहीं है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं। साइंटिस्ट एक ग्रैंड डैड है इसके अंदर रिक, और उसका ग्रैंड सन मॉर्टी, इन दोनों के मल्टीपल अलग अलग जगहों पर एडवेंचर्स होते हैं, उसके बारे में पूरी पूरी स्टोरी दे रखी है। तो ये अपने स्पेसशिप में बैठ के कहीं भी निकल जाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एक ये एनिमेटेड टीवी शो है, अगर आपको देखना है तो रिक एंड मॉर्टी। मेरा फेवरेट एनिमेटेड टीवी शो जो है वो रिक एंड मॉर्टी है, कभी भी कोई भी एपिसोड जाकर मैं देख लेता हूँ उसका, अभी भी। तो बहुत बढ़िया टीवी शो है रिक एंड मॉर्टी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगली एक हमारी मूवी है नंबर 9 पे विच इज़ द इमिटेशन गेम। द इमिटेशन गेम यार एक्चुअली एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है एलन ट्यूरिंग के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली हम अपने कॉलेज के टाइम पे भी पढ़ रहे थे, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर काफ़ी सारे क्रिप्टोग्राफी के मॉडल्स बने हुए हैं, अभी भी वो यूज़ किए जाते हैं हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी, तो वो बहुत ही पुरानी स्टोरी है एक्चुअली, वर्ल्ड वॉर टू की वो पूरी पूरी स्टोरी है, और उस टाइम पर एलन ट्यूरिंग ने किस तरीके से एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी उसके ऊपर वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, तो बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग की द इमिटेशन गेम आप जाके देख सकते हो। देन अगली है एक मूवी। ओके, तो हमारे अभी तक 9 मूवीज़ हो चुके हैं और कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि ये नंबर 10 पे क्यों डाला है, इंटरस्टेलर। ठीक है, मैं इसको चाहता तो नंबर 1 पे डालता, मैं रैंडमली बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सारे सारे शोज सारी सारी मूवीज नंबर 1 पे आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक एक करके बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इंटरस्टेलर के अंदर आपका बेसिकली टाइम डायलेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है, देन वॉर्म होल का कंसेप्ट है इसके अंदर, ब्लैक होल, इस टाइप के थोड़ी स्पेस ट्रैवल के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ये वाली शो देख सकते हो। ठीक है, शो नहीं सॉरी मूवी। तो बहुत ही बढ़िया ये मूवी है इंटरस्टेलर, और बेसिकली इंटरस्टेलर ट्रैवल के ऊपर ही ये इंटरस्टेलर नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो इंटरस्टेलर ट्रैवल के ऊपर ही पूरी पूरी मूवी रिवॉल्व है, किस तरीके से स्पेसशिप में बैठ के वो निकल जाते हैं और कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं, ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, इसके ऊपर ये पूरी पूरी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी 10 मूवीज़ और टीवी शोज़। इसके अलावा भी कुछ कुछ मूवीज़ और टीवी शोज़ हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं क्योंकि मैं इंक्लूड करने बैठूंगा तो ऐसे करके बड़ी बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहता मैं। टॉप 10 मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ कुछ मूवीज़ और टीवी शोज़ आपको लगते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है वो मुझे बता देना, और जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे वही फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी विंस तो वही जीतेगा, और आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा इसमें से पसंद आया, और इसी के साथ चलते हैं, ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।